हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग तो हमने पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर टू जो ए था वो सॉल्व किया था अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू बी डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ जी एस एक्ट तो हमें अभी टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है बहुत सिंपल कंसेप्ट है टाइम ऑफ सप्लाई का आई होप कि आपको टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट ऑलरेडी पता है तो बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है जिसमें हमको डेट्स दिए जाते हैं एकदम सिंपल चीज़ है जिसमें हमको डेट्स दिए जाते हैं और वो डेट्स के बेसिस पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से टाइम ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है तो एकदम सिंपल लॉजिक से चलते हैं तो देखो क्या है आपके पास डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल डेट ऑफ इन्वाइज है एंड डेट ऑफ पेमेंट है तो अगर आपके पास ये तीन कॉलम्स है डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट तो तीनों पॉइंट्स में से आपको सिंपल याद रखना है हम क्या करेंगे हम क्या करते हैं हम इसको ए मार्क कर लेते हैं दिस विल बी ए दिस विल बी योर पॉइंट बी एंड दिस विल बी योर पॉइंट सी तो काफी सिंपल कैलकुलेशन है वॉट टू डू डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल एंड डेट ऑफ इनवाइज हमको क्या करना है ए वाला वैल्यू लेना है बी वाला वैल्यू लेना है सी को मैं कट कर दूंगा ए और बी में से एवर इज अर्लियर ये लेना है और उसमें से जो आंसर लिखना है देखो कैसे किया जाता है ये सब मैं आपको डायरेक्टली आंसर में बताता हूं ताकि आपको ओवरऑल पता चले देखो सेवेंटींथ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हमारा फर्स्ट डेट है डेट ऑफ इनवाइज है बीस अप्रैल ट्वेंटी टू तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा ए और बी विच एवर इज अर्लियर ए और बी मतलब क्या है डेट ऑन गुड्स आर मेड अवेलेबल विल बी योर ए डेट ऑफ इनवॉइस विच विल बी योर बी एंड रिमेंबर आपको याद रखना है डेट ऑफ पेमेंट जो होता है ये इस केस में हम इग्नोर करते हैं डेट ऑफ पेमेंट को आपको कंसिडर नहीं करना है आपको सिर्फ क्या कंसिडर करना है से जो अर्लियर है सत्रह अप्रैल और बीस अप्रैल इनमें से जो अर्लियर डेट आता है अर्लियर डेट कौन सा है सत्रह अप्रिल तो वो आपका एंसर बनेगा हर एक पॉइंट को आपको एक मार्क्स मिल जाएगा लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ प्रॉब्लम यही हुआ कि ये तीन डेट्स में से हमको कौन से डेट लेने हैं तो याद रखना है आपको तीन डेट्स अगर आपके पास है और अगर आपको क्वेश्चन में डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल दिया है और डेट ऑफ इनवाइज और डेट ऑफ पेमेंट दिया है तो वी विल रिमेंबर अ रूल दैट इज डेट ऑफ इनवाइज और डेट ऑफ विच गुड्स आर मेड अवेलेबल ये दोनों चीजें ही हम कंसिडर करने वाले हैं हम डेट ऑफ पेमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे तो दैट यू हैव टू रिमेंबर ये आपको याद रखना है ठीक है जितने भी पॉइंट्स हैं सारे देख लो फिफ्टीन में फोर्टीन में आंसर फोर्टीन में एटीन जून वन जून आंसर वन जून बेसिकली ये एक बार करने के बाद तो बहुत सिंपल सेवेंथ जुलाई फोर्टीन जुलाई तो सेवेंथ जुलाई फोर्टीन ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट थर्टी ऑगस्ट तो आंसर ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट ट्वेंटी फर्स्ट सप्टेंबर तो आंसर सेवनटीन सप्टेंबर फोर्टीन अक्टूबर इलेवेंथ अक्टूबर तो आंसर इलेवेंथ अक्टूबर कैसे कर रहा हूँ एवर इज अर्लियर दोनों डेट्स में से जो पहली डेट आती है वही हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई मिलेगा सेकेंड डिसम्बर ट्वेंटी एट डिसम्बर तो आंसर ट्वेंटी एट नवंबर सेकेंड डिसम्बर ट्वेंटी एट नवम्बर फिफ्थ जनवरी टेंथ फेब्रुवरी तो आंसर फिफ्थ जनवरी फेब फेब तो आंसर तो सिक्सटीन फेब ही होगा तो इस बेसिस पे आपको एक एक मार्क के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे तो अगले सेशन में हम अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे आई होप कि दिस टाइम ऑफ सप्लाई का जो पार्ट है वो आपका क्लियर हुआ है थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन बाय बाय टेक केयर